न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा की बात करेंगे तो आज के टाइम में न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर क्वेरीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है जानना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। आखिर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड जाते हैं, प्रोसेस क्या है, कमिंग इनटेक कौन सा है, इसको लेकर भी आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो आप सब जैसे कि जानते ही हैं नेविगेटर्स ओवरसीज, जिनका तजुर्बा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 27 सालों का हो चुका है, और हर बार मैं आपको ये जिक्र ज़रूर करती हूँ कि ढेर सारी प्रोफाइल्स पर काम कर चुके हैं मैम इनकी कंपनी, और कई कंट्रीज़ के कई इंस्टीट्यूट्स के साथ इनके टाइप्स हैं। तो आप बेफिक्र होकर इनसे अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट तो करवा ही सकते हैं, सही गाइडेंस लेकर सही ऑप्शंस के साथ अपने फ्यूचर को ब्राइट भी कर सकते हैं। तो मैम बात न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा की करें तो कैसे हम अलग माने, एक अच्छी ऑप्शन माने न्यूजीलैंड को स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम में? हरजोत, अगर आप देखो अच्छी ऑप्शन, तो जो स्टडीज हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के स्टडीज हैं जी, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब दो तीन जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी, दोज आर रियली गुड पॉइंट्स, कि एक तो इसमें स्पाउस वीज़ा अलाउड है मास्टर्स के लिए जी, लेवल 9 एंड ऑनवर्ड्स, तो अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड कोर्सेज अगर आप देखो, कुछ कोर्सेज बड़े यूनिक कोर्सेज हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन करके एक इनका कोर्स है, दैट इज़ रियली यूनिक, जो कि ग्रीन लिस्ट में भी आता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में कोर्सेज जो हैं वो ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज को पीआर, मतलब उस पीआर लिस्ट में आते हैं जी। या बैचलर या मास्टर करे बच्चा तो फिर उसके पॉइंट्स बन जाते हैं। अब डेस्टिनेशन खाली पीआर देखनी है बच्चे ने या पढ़ाई देखनी है? आप देखो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है ना, क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी, वाइकाटो, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनका कि एक अपनी बहुत अच्छी रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड। और मास्टर्स कोर्स जो हैं, आप 2 ईयर्स की जगह कुछ कोर्सेज, नॉट एवरी कोर्स, वो 1.5 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर सेविंग योर टाइम। तो टाइम सेव करना ही आजकल मीन्स, आपने वो पढ़ाई इतने अच्छे से 1.5 साल में कर ली कि 1 साल आप काम करके एंड पीआर आप अपनी, अगर आप चाहते हो तो पीआर अप्लाई कर सकते हो जी। और कंट्री वाइज अगर क्लाइमेट देखो, न्यूजीलैंड का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल क्लाइमेट है, बहुत सुंदर कंट्री है। कि अगर आप पीछे, इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत दिए थे, लोग घूम के आए हैं, एंड जो घूम के आए तो उनकी इच्छा थी कि अब हम लोग किसी भी तरह हमें स्टडी वीज़ा मिल जाए बच्चों को, जिससे हम लोग वहाँ पे जाके रह सकें। और इनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ इतनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं कि जो बच्चा यहाँ पीआर ले लेता है वो वहाँ जाके काम कर सकता है, तो उनको आपस में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, तो दैट इज़ वेरी यू नो प्लस पॉइंट एज वेल। अब ये देखें कि इनकी फ़ीस हैं, उनकी फ़ीस और जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब वीज़ा के बाद ही आपको खाली शो करने हैं, जो भी फ़ीस है, जो खाली एक एम्बेसी फ़ीस पे करनी है आपका वीज़ा के बाद जाना है, डिसीज़न के बाद। लेकिन न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए आपकी फंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जो है गवर्नमेंट ने कह दिया कि 3 मंथ्स ओल्ड फंड वी कैन एक्सेप्ट, ये कि 6 मंथ ओल्ड हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 3 मंथ्स ओल्ड फंड दे कैन एक्सेप्ट, ये बोल दिया उन्होंने। तो जो बच्चों को फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो काफ़ी हद तक अब सॉल्व हो जाएगी, कि 6 मंथ ओल्ड फंड्स नहीं दिखा पाते थे। लोन आप 100% दिखा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी 12 लाख के अराउंड हों तो आपकी स्ट्रांग होती हैं। अब कोर्सेज कौन से करने चाहिए वो एक क्वेश्चन होता है, इनटेक कौन सा है, जुलाई इनटेक है, फिर सितंबर है, तो जुलाई इज़ वेरी नियर बाय। आइल्स रिक्वायरमेंट आपकी 6 बैंड ऑनवर्ड्स मैं सजेस्ट करती हूँ, 6.5, और आपका जो इनटेक जुलाई एंड सेप्टेम्बर है। कोर्सेज आप बिज़नेस ले सकते हैं, आईटी ले सकते हैं, इंजीनियरिंग ले सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, हेल्थ साइंस से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड,
कोर्सेज बहुत सारे हैं जिनको कि आप पूरे अच्छे से पढ़ के यू कैन यू नो, अगर आप डिग्री कर रहे हैं 3 ईयर की तो आपके मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, मास्टर्स के बाद पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, देन विद 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर योर यू नो वर्क परमिट और PR वट एवर द प्रोसीजर इज. तो कोर्सेज का हमारा जो पहले डिप्लोमा में बच्चा जाता था वो हम ज़्यादातर अब ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स देते हैं. और जो ग्रीन लिस्ट में नहीं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, मान लो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ग्रीन लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको इमीडिएट जॉब मिल जाती है. तो जॉब आप अगर आप 1 ईयर करते हैं तो आप PR के एलिजिबल हैं. और इंस्टीट्यूट्स कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए इस साल आपकी फ़ीस $20,000 है तो आपके 11 लाख के अराउंड ही एक साल की फ़ीस, दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल डिग्री अगर कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर की 18,000, उसके नेक्स्ट ईयर की 16,000, तो और कम होती जा रही है जी. तो आप देखिए कि आपको ये कितना कंफर्टेबल जो फी स्ट्रक्चर हो गया आपका, जो अगर हम देखें वीज़ा के बाद आपकी जो है फीस जा रही है, वीज़ा से पहले नहीं जा रही है. डेस्टिनेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर Level 9 कोर्सेज और मास्टर्स कोर्सेज, स्पाउस कैन अकंपनी यू, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट टू स्टडी. जी 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 बिल्कुल. तो कई सारे पॉइंट्स मैम ने बताए हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए सोच रहे हैं तो इन सारे कई तरह के बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलते हैं. तो मैं ज़रूर चाहूँगी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी तरह का सवाल आपके माइंड में चल रहा है, कोई भी क्वेरी है अपनी प्रोफाइल को लेकर, कमिंग इनटेक अप्लाई करना चाहते हैं उसको लेकर, तो ज़रूर जो नंबर है नेविगेटर्स ओवरसीज़ का, इस पर आप कॉल कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए. तो बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है इस वीडियो के जरिए. और स्टूडेंट्स भी अपने सवाल हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके सवालों को लेकर भी हम आगे और वीडियोस बनाएं और भी स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकें. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त. थैंक यू सो मच. थैंक यू.